प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की ये रेसिपी की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कंसिडर करना। बहुत ही ज़्यादा आसान, बेसिक एंड डिलिशियस रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे मेरे मेन चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान नींबू एंड मिर्ची के अचार की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करेंगे तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नींबू का अचार बनाने से। नींबू का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे नींबू। मैं यूज़ करने वाली हूँ एक अच्छे बड़े साइज़ के नींबू, अराउंड 8 से 10। मैंने चीज़ों को कितनी अमाउंट में यूज़ किया है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगी। सबसे पहले हम नींबू को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे एंड ड्राई कर लेंगे। अगर आपको अचार का तड़का आज ही लगाना है तो आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल पानी ना हो, पर मैं मेरे नींबू को अराउंड 1-2 दिन के लिए सुखाने वाली हूँ धूप में रख के या ऐसे ही रूम टेम्परेचर में रख के। सो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं पेपर टॉवल से इसको ड्राई कर रही हूँ और उसके बाद हम नींबू को काट लेंगे। नींबू का काटने का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। मैंने नींबू को पहले मिडल पार्ट में काटा है, उसके बाद मैंने उसको वेजी स्टाइल में काटा है और वेजी के अराउंड 2 या 3 मैंने हिस्से किए हैं कि इतना अचार हम एक बार में खा सकते हैं। जितने ज़्यादा बड़े चंक्स होंगे वेस्टेज उतनी ज़्यादा होगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके साइज़ को काटें। वंस ये अच्छी तरह कट गया है, अब हम ग्रीन मिर्ची को भी कट्स लगा लेंगे, क्योंकि जब आप उसको फ्राई करेंगे या तड़के में डालेंगे तो कट्स होने ज़रूरी हैं। हमने मिर्ची को भी धो के अच्छी तरह सुखा लिया था। और ये जो मैं मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, देखने में मिर्ची है पर एक्चुअली ये चिली नहीं है। मेरे पास यही थी तो मैंने इसी को अचार में डाल लिया, पर इसका फ्लेवर मिर्ची जैसा ही है। उसके बाद मैंने इसको रख दिया है धूप में, मैं इसको 2 दिन ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है अराउंड 1 टेबलस्पून सॉल्ट का और 1 टेबलस्पून हल्दी का। इसको मैं साइड पर रख रही हूँ और हम तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के की तैयारी के लिए मैंने ये खुला बर्तन लिया है, उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल जब थोड़ा पक जाता है उसमें हम डालेंगे अजवाइन। आप जीरा भी डाल सकते हैं पर मुझे अजवाइन ही अच्छी लगती है। अजवाइन जब थोड़ी सी क्रैक होनी शुरू होगी उसी के साथ मैंने गैस को कम कर दिया है और मैं डालूंगी रेड चिली। मेक श्योर करें कि गैस की आंच कम हो, अदरवाइज़ बर्न हो जाएगी अजवाइन भी एंड चिली भी। चिली को डाल के अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें हम ऐड करेंगे लेमन, जिसको हमने ऑलरेडी सीजन कर दिया था अर्लियर। और अब हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ये नींबू बहुत ज़्यादा गल जाएगा और इसको बहुत ज़्यादा कड़छी नहीं मारनी है। 1-2 बार चलाएं, थोड़ी देर पड़ा रहने दें, देन कुछ सेकंड्स के लिए चलाएं। अराउंड 5 मिनट्स का प्रोसेस होगा ये, 5 या 10 के अंदर अंदर ही हम इसे डन हो जाएंगे। वंस मेरा ये लेमन कुक हो रहा है, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ काला सॉल्ट। काला सॉल्ट इसमें बहुत ज़्यादा डिलिशियस लगता है। एंड देन उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। सारी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, आप चेक कर लेना। एंड आपकी क्वांटिटी ज़्यादा कम हो सकती है आपके स्वाद के अनुसार या फिर क्वांटिटी के अनुसार। सो शुगर ऐड करने के बाद हम फिर से मिक्स करेंगे। वंस आपको लगता है कि आपके जो लेमन है अच्छी तरह कोट हो चुके हैं, अब आप इसमें चिली ऐड कर सकते हैं।
एज इट इज़, या फिर आप चिली को भी अलग से फ्राई करके ऐड कर दें। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और से ऑयल यूज़ करूँ, सो मैंने चिली को इसमें ही ऐड कर दिया और फिर से मैं इसको अराउंड 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स कुक करूँगी। देन हम इसे छोड़ देंगे खुला ही ठंडा होने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडा होने की ज़रूरत नहीं है, जब वार्म ही होगा तो इसे मैं बर्तन में निकाल दूँगी। मुझे ग्लास कंटेनर अच्छा लगता है क्योंकि ग्लास अच्छा होता है प्लास्टिक से, पर अगर आप प्लास्टिक कंटेनर में निकालना चाहें तो उससे उसमें भी निकाल सकते हैं। मेक श्योर करें कि जिस कंटेनर में आप इसको निकालना चाहें अचार को, वो अच्छी तरह धुला हुआ हो और अच्छी तरह ड्राई हो। सो उसके बाद इस सारे मिक्सचर को हम उस बर्तन में निकाल देंगे एंड देन हम, वैसे तो आप अभी भी खा सकते हैं पर हमारी चिली जो है थोड़ी रॉ है क्योंकि हमने ओवर कुक नहीं किया है। सो इसे हम छोड़ देंगे अराउंड 1-2 दिन के लिए। वैसे मैंने अचार नींबू का इमिडिएटली खा लिया था, डिलिशियस बना था, पर 1-2 दिन के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब भी आप अचार को यूज़ करेंगे मेक श्योर करना कि आप चम्मच, जो भी चम्मच अचार को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, वो अच्छी तरह ड्राई हो। गीले चम्मच को उसमें मत डालना, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा, अदरवाइज़ ये काफ़ी समय तक आपका चल जाएगा अचार, और बहुत अच्छा अचार बना था वाकई। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो ये नींबू की रेसिपी वीडियो के साथ बस इतना ही। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे मेरे साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डिलिशियस फूड खाते रहें एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आई लव यू गाइस सो मच, बाय।